हेलो गाइस, कैसे हो? जीमू टीडीएम की एक और न्यूड पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भाई लैग फिक्स तो आप सभी ने तो बहुत तरीके देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो इन गेम मतलब इन एमुलेटर के अंदर जो सेटिंग्स रहती है, हिडन सेटिंग्स, वो मेरा एक भाई है जो है फिनिशर है इसका इन गेम नाम, तो उस भाई ने मेरे को सजेशन दिया, तो उस वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम एमुलेटर की सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है ना? बेसिक पे दोस्तों इन सबको अनचेक रखनी है, कंट्री अपने हिसाब से रख देनी, इंजिन दोस्तों डायरेक्ट टेक्स या फिर ओपन जीएल, ठीक है? इन दोनों में से ट्राई करना। अगर आपके पास थोड़ी बहुत लो एंड पीसी है, बहुत ही लो एंड पीसी है, तो ऑटो रिकमेंड करता हूँ, और बहुत ही अच्छा हाई एंड पीसी है तो ओपन जीएल से रिकमेंड मैं करता हूँ। लेकिन आपके पास अगर मिड एंड या फिर एंट्री लेवल सिस्टम है, यानी कि 2 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है, 4 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है, तो डायरेक्ट टेक्स आपके लिए अच्छी रहेगी। इधर पे दोस्तों मेक श्योर इन चारों को चेक रखना है, जीपीयू नहीं है तो इन बॉक्स को अनचेक मत रखो, अगर जीपीयू है तो इस बॉक्स को चेक रखो। वर्टिकल सिंक दोस्तों जिनके पास, ठीक है ना, मतलब एएमडी का सीपीयू है, एएमडी का सीपीयू है, उनमें क्या रखता है, फ्री सिंक मिलता है, ठीक है ना, फ्री सिंक मिलता है, तो उनको ये चेक जो है चेक नहीं रखनी है गाइस, ठीक है, मेक श्योर करना है। और जिनके पास इंटेल का सीपीयू और 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, अगर आप चाहते हो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो 60 FPS पे गेम खेलना है तो इसको चेक रख सकते हो, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है 100 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इसलिए मैं इसको चेक रखूँ या ना रखूँ, मेरे को 90 FPS मिलना ही है गाइस, ठीक है ना? तो अगर आपका 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, आप चाहते हो कि 60 FPS पे गेम खेलना है, तो इस बॉक्स को चेक कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा लैग होती है, रेंडरिंग में इशू होती है, तो इस बॉक्स को चेक मत रखो, ठीक है ना गाइस? उसके बाद दोस्तों एंटेलिसन दोस्तों ऑफ रखनी है, मेमोरी ऑटोमेटिक रखनी है, प्रोसेसर दोस्तों ऑटोमेटिक, ठीक है? और रेजोल्यूशन दोस्तों अगर आप 1080p चाहो तो 1080p पे खेल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे लो सेटिंग्स, इसलिए मैंने इस सेटिंग्स को मैंने रखा है, ठीक है? स्क्रीन डीपीआई मैं 120 से 400 रिकमेंड करूँगा, उससे ज़्यादा मत करिएगा तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है? और ऑडियो चैनल डायरेक्शन रखनी है। गेम दोस्तों आपको आसूस रॉक 2 सिलेक्ट करनी है, या फिर जिसका ओरिजिनल मॉडल है उसका लिंक, जो मतलब उसका जो नेम है गाइस, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसको कॉपी करके इधर पे कस्टमाइज पे जाके इधर पे आपको दोस्तों उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो मैं फिलहाल आसूस रॉक 2 रखता हूँ। गेम पे दोस्तों चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या रखना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कस्टमाइज पे चले जानी है, ठीक है गाइस? तो डिफॉल्ट वाला मॉडल ए है गाइस, ठीक है? तो इसको मैं दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको कॉपी करके दोस्तों आपको ऐसे कॉपी करना है, ठीक है? और उसके बाद इधर पे दोस्तों कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, तो दोबारा हो गया, ठीक है? सिर्फ इधर पे होगा आसूस, ASUS, ठीक है? और ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मॉडल दोस्तों आपको, सॉरी, गेम पे दोस्तों आपको अगर बहुत ही लो एंड पीसी है तो इस सेटिंग्स को ट्राई कर सकते हो, ठीक है? मॉडल दोस्तों जो सबसे लो एंड वाला सिस्टम है उसके लिए ए सेटिंग्स है, और थोड़ी बहुत हाई एंड पीसी है तो 1080p रखो। इधर स्मूथ, अगर रेंडरिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो HD कर देना। इधर पर FPS दोस्तों 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले तो 60 रख सकते हो, बाकी डिफॉल्ट भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन मैं जो लो एंड पीसी, इसमें लाइफ टाइम भी करता हूँ, तो इसलिए मैंने ए सेटिंग्स रखी है, ठीक है? उसको उसको सेव करके जो है पबजी मोबाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक है? ओपन करने के बाद दोस्तों इसको काट देंगे, और ऐसे जब स्क्रीन आएगी इसको बैक आ जाना है सिंपल, ठीक है? अभी क्या है कि आपको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, आपको F9 दबाना है सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा नीचे खींचना है, इसको सेटिंग्स पर चले जानी है। जाने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको दिखेगा अबाउट टैबलेट, इसके अंदर जाके आपको बिल्ड नंबर के ऊपर 5-6 बार टैप करके आपका डेवलपर ऑप्शन जो है इसको इनेबल कर लेनी है। उसके बाद 3 लाइन पर चले जानी है, जाने के बाद दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद आपको इधर पे बहुत सी चीज़ जो है मैं आज आपको शेयर करूंगा। एनिमेशन स्केल इसको आप रखनी है, टेंसर एनिमेशन स्केल इसको भी आप रखनी है, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल इसको भी आप रखनी है, ठीक है? फोर्स जीपीयू रेंडरिंग दोस्तों इसको सबको ऑन रखनी है, और फोर्स 4x MS डबल इसको ऑन रख देनी है, डिसेबल HD ग्लोबल इसको भी ऑन रख देनी है, ठीक है? अभी इधर पे बस इतना ही सा था, अभी बैक आ जाना है, F11 दबा के एक स्टेप बैक आना है, ठीक है? अभी फुल मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ इधर से, रुको, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेटिंग्स पे चले जानी है, ठीक है? अभी जो है मेन चीज़ गाइज आपको इधर पे ध्यान से देखना है, तो सबसे पहले आपको जो है वाईफाई पे जाके इसको दोस्तों डिसेबल कर देनी है, ठीक है ना? इसको दोस्तों ऐसा ऑन रहा है कि इसको डिसेबल कर देनी है, क्योंकि वाईफाई देखो हमारी कोई काम की चीज़ है नहीं एमुलेटर के अंदर। उसको दोस्तों ब्लूटूथ भी डिसेबल रहेगा, ठीक है? इसको दोस्तों आपको डिसेबल कर देनी है ब्लूटूथ भी, ठीक है? और कुछ अगर VPN वगैरह होगा, कैलकुलेटर, इसको दोस्तों आपको ऑन ऑफ कर देनी है, ठीक है? तो सबको दोस्तों आपको ऑफ कर देनी है ऐसे ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपको चले जानी है नीचे आनी है थोड़ी बहुत, इधर पे नीचे आपको दिखेगा ऐप, ऐप इसके अंदर जाके दोस्तों आपको ब्राउज जो है इसको दोस्तों आपको
इधर पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा, फोर्स स्टॉप को करके डिसेबल कर देनी है, डिसेबल ऐप पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद बैक आ जानी है एक स्टेप। अगर आपका गेम फेसबुक से लॉगिन है तो फेसबुक को डिसेबल मत करो, अगर आपका गेम गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन है तो इसको मतलब डिसेबल मत करो। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा गेम हिला मतलब जो है फेसबुक से लॉगिन है इसलिए मैंने फेसबुक को छोड़ दिया। फाइल दोस्तों फिलहाल कोई चीज़ काम की चीज़ है नहीं, अगर आपको डिसेबल का ऑप्शन आएगा तो डिसेबल कर देना इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गूगल प्ले गेम, ये दोस्तों मेन चीज़ है, इसको दोस्तों फोर्स स्टॉप पर क्लिक करनी है, करने के बाद दोस्तों डिसेबल कर देनी है आपको, ठीक है। ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देनी है, तो डिसेबल हो गया देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल प्ले सर्विस, इसको भी दोस्तों ऐसे फोर्स स्टॉप करके डिसेबल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद प्ले स्टोर, इसको दोस्तों फोर्स स्टॉप कर देनी है सबसे पहले, उसके बाद डिसेबल कर देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है सीपीयू खाती है गाइस बैकग्राउंड में, ठीक है। और स्टोरेज वगैरह आप चाहो तो क्लियर डाटा वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद दोस्तों जो है लॉन्चर ईएक्स, इसको कुछ नहीं करना है, पबजी मोबाइल को कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स को कुछ नहीं करना है। उसके बाद बैक आ जाना है एक स्टेप। उसको दोस्तों आपको स्टोरेज पर जा जानी है, जाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे ऐप वगैरह देख सकते हो, इधर पे खार कुछ करने की ज़रूरत नहीं उतनी। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है बैटरी पे, ठीक है। बैटरी पे जाकर दोस्तों आपको 3 लाइन पर चले जानी है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करनी है। इधर पे दोस्तों नॉट ऑप्टिमाइज हो गई, इसको ऑल ऐप कर देनी है। उसके बाद दोस्तों जो एंड्रॉयड वगैरह जैसा समय दिखा रहा हूँ आपको सेम करनी है, नॉट डोंट ऑप्टिमाइज पे डन करनी है। एंड्रॉयड शेयर लाइब्रेरी, इसको डोंट ऑप्टिमाइज पे डन करनी है। एंड्रॉयड सिस्टम, इसको डोंट ऑप्टिमाइज पे डन करनी है। एंड्रॉयड सिस्टम वेब भी, इसको डोंट ऑप्टिमाइज पे डन करनी है, ठीक है। तो जैसा समय करोगे आपको भी सेम टू सेम वैसे करनी है। ये दोस्तों जो है बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है सीपीयू चूसता रहता है, ठीक है ना। तो जैसा समय दिखा रहा होगा आपको सेम करने नहीं है, फेसबुक ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फाइल भी ज़रूरत नहीं है सबको, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो जो चीज़ आपको दिख रही है इधर सबको दोस्तों डोंट ऑप्टिमाइज़ कर देनी है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी होगी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जो स्टेप है गाइज आपको यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिलेगा वो भी इस चैनल पे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना। लॉन्चर ईएक्स इसको करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ठीक है। मीडिया दोस्तों इसको कर देनी है, मोबाइल नेटवर्क इसको भी कर देनी है, ठीक है। इसको भी कर देना, पबजी मोबाइल को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर दो, ठीक है। सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है ऑप्टिमाइज यार को, सेल इसको भी दोस्तों ऐसे करनी नहीं है, रिकॉर्डर इसको नहीं चाहिए। ऐसे दोस्तों सिस्टम ई वाई है इसको दोस्तों छोड़ देनी है, ठीक है। और इसको कर देनी है, ठीक है, सिस्टम ई वाई को छोड़ देनी है और पबजी मोबाइल को छोड़ देनी है गाइस, ठीक है। बाकी सबको दोस्तों नॉट ऑप्टिमाइज पे सिलेक्ट कर दो, हो गया गाइस अपनी इतना सा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जानी है इधर से एक स्टेप, उसके बाद दो स्टेप बैक आ जानी है। उसके बाद दोस्तों को मेमोरी पे क्लिक करनी है, इधर पे दोस्तों वन डे कर देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद बैक आ जानी है आपको फिर से। उसके बाद लोकेशन दोस्तों, इसको दोस्तों ऑफ रखनी है अपनों हमेशा, लोकेशन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बैक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो गाइस देख सकते हो अगर आप F9 दबाओगे, ठीक है, तभी जो है सेटिंग्स आएगा, वरना कुछ चीज़ नहीं आएगा। तो मैं F9 दबाता हूँ फिर से, उसके बाद मैं फिर से सेटिंग्स हो जाता हूँ। तो इस पर दोस्तों क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जो है गाइज आपको फ़र्क जो है देखने को मिलेगा। मैं वीडियो को कट पॉज कुछ नहीं करूँगा, जितना टाइम लगेगा आपके सामने लगेगा गाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से गाइज आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम लोग इधर थे, मैं लोकेशन पे अभी। सिक्योरिटी दोस्तों इसको दोस्तों ऑफ रखनी है, नहीं मैं एक पासवर्ड विजिबिलिटी को ऑन रखना, और बाकी इधर पे कुछ खास तो है नहीं। उसके बाद फिर से नीचे आनी है, उसके बाद नीचे आके दोस्तों, नीचे आके एबाउट टेबलेट पे जाके इधर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइज आपको, ठीक है। तो जैसे जैसा मैंने दिखा रखा बस आपको भी ऐसा ही सेम करनी है गाइज। उसके बाद फिर से दोस्तों आपको क्या करनी है कि आपकी जो ऐप है इसके अंदर जानी है, इधर सेटिंग्स पर चले जानी है, ठीक है। ऐप परमिशन दोस्तों आप देख सकते हो, किसी को अगर परमिशन दे रखा है तो उसको भी बंद कर देना है इधर से। तो गाइज मैंने कहने का मतलब है A to Z गाइज मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। देखो काम होने के बाद दोस्तों आपको चाहिए ना नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन पे दोस्तों इसको दोस्तों डिसेबल कर देनी है सबको, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। फेसबुक को भी दोस्तों इसको साइलेंट कर देनी है, इसको भी दोस्तों साइलेंट कर देनी है। गूगल प्ले गेम, इसको दोस्तों मेक श्योर साइलेंट कर देनी है, ठीक है। इसको भी दोस्तों ऑफ कर देनी है। तो गाइस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, जैसा जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसा से। लॉन्चर ईएक्स को दोस्तों इसको ऑन रहना देना है, वरना पबजी मोबाइल ऑन नहीं होगा। पबजी मोबाइल को भी साइलेंट कर देनी है इधर पे, और सेटिंग्स को भी दोस्तों को साइलेंस कर देनी है गाइस। ओके,
तो इतना सा काम अपने इधर हो गया। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन पे दोस्तों उतना कुछ खास है नहीं अपने को करने के लिए। मोड ऑप्शन पे क्या कुछ मिलेगा? हाँ, इधर पे दोस्तों जो वीपीएन वगैरह है इसको दोस्तों आपको ऑफ़ रखनी है, ठीक है, सबको दोस्तों आपको ऑफ़ रखनी है। तो फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ। और बहुत लोग मेरे से पूछते कि भाई नियर जो है क्या है कि बुलेट कनेक्टर नहीं होता, तो उनके लिए भी सेम सेटिंग्स, इधर पे दोस्तों आपको रीसेट कर देनी है, इसको रीसेट कर देनी है, ठीक है। तो मक्खन जैसी जी गाइज एम जो है आपकी कनेक्ट होगी गाइज, ठीक है। तो अभी और भी एक दो सेटिंग्स है और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर आनी है, वीडियो गाइज लंबी होगी पहले ही बता रहा हूँ, और देखने वाली बात है कि गाइज आपको वीडियो पूरी देख के अप्लाई करनी है अपनी गेम लूप 32 बिट पर, और मेक श्योर करना कि 32 बिट डाउनलोड हो, ठीक है। टास्क मैनेजर ऑन कर लेना है, जैसे उसको 32 बिट दिखेगा, ठीक है। देखो अभी कितना ले रहा है, 4% सीपीयू लेगा, और भी ऑप्टिमाइज करूँगा तो 1-2% सीपीयू लेगा गाइज, ठीक है, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखना गाइज एंड तक। साउंड वगैरह को गाइज आपको कुछ नहीं करना साउंड, क्योंकि वरना इन गेम की जो साउंड होती है गाइज हट जाएगा। तो इसको बस जो गाइज एक गूगल प्ले की मेन चीज़ है इसको दोस्तों आपको ऑफ रखनी है, ठीक है। इन सबको सबको इसको छोड़ देना है, इसको साइलेंट कर देनी है बस। अभी खैर कुछ है नहीं उतना मेमोरी दोस्तों, मेमोरी भी दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को बस गाइस। तो इतना सारे जो है लैंग्वेज एंड इनपुट पे जाके पॉइंट स्पीड को फुल कर दे रही है, ठीक है। तो गाइस डेट एंड टाइम असिस्टिबिलिटी इधर पे जाके दोस्तों जो इधर पे कह रहती है टच एंड होम डिले, इसको दोस्तों शॉर्ट कर देनी है और बैक आ जानी है गाइस, ठीक है। इतना सारा सेटिंग्स कर लो गाइस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है गेम पे आके गेम को ऑन करो, ठीक है। तो जैसा सा मैं दिखा रहा हूँ गाइज आपको वैसे ही सेम करनी है, और आगे मैं इन गेम जाके आपको प्रूफ दिखाता हूँ, वो भी लाइव प्रूफ गाइज कि कैसा चलता है, ओके। तो फटाफट मैं इन गेम जाके आप सभी से मिलता हूँ। तो गाइज हम आ चुके हैं इन गेम के अंदर, और इन गेम सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स पर लॉबी पर दोस्तों आपकी स्मूथ एक्सट्रीम 60Hz का डिस्प्ले हो तो एक्सट्रीम, वरना अगर आप 90Hz पर ट्राई करते हो तो 90Hz रख देना है। कॉम्बैक भी दोस्तों स्मूथ 90 रखनी है, कलरफुल और एंटीलिशिंग क्लोज रखनी है, ऑटो ग्राफिक्स भी डिसेबल रखनी है, ठीक है। अभी FPS नोटिस करोगे इसकी कितनी आ रही है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ट्रेनिंग ग्राउंड चल के कुछ जो है दिखा देता हूँ, क्योंकि खैर अभी तो टीम रेड है नहीं, क्लासिक मैच लगने वाला नहीं। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पे आके मेरा लाइव चेक कर सकते हो, वो भी इस PC में मैं लाइव करता हूँ। क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि ये सब सेटिंग्स मैंने कर रखी है, तो ये सब सेटिंग्स आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं है मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट वाला काम चलता है ना यूट्यूब पे गाइज। इसका वीडियो देख के मैंने किसी का वीडियो देखा तो मैंने उल्टा सीधा कुछ एक दो चीज़ ऐड कर ली, मैंने वीडियो बना लिया, ऐसे ही चलता है यार यूट्यूब पे। तो मैं जैसा बताता हूँ गाइज ऐसे कोई नहीं बताएगा, तो देख सकते हो गाइज स्मूथनेस आप, ठीक है ना, स्मूथनेस देख सकते हो किस हद तक गाइज जब स्मूथ हो चुकी है गाइज, ठीक है। देखो किस हद तक गेम जो स्मूथ होगी आपको आइडिया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी गई तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। देख सकते हो तो इतना स्मूथ होगा जगह ही, ठीक है। देखो आई होप गाइज वीडियो सबको हेल्प होगी, अगर हेल्प हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते किसी और दिन और वीडियो में गाइज, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।